जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। ईदगाह रोड ईसाई टोला प्रेमनगर स्थित मदरसा रहमानिया में एक जलसे का आयोजन किया गया। आज इस मदरसे में पढ़ने वाले 4 बच्चों ने कुरान पाक नजरा कर लिया। कुरान पाक नजरा करने वाले ये बच्चे महक फातिमा, सना फातिमा, अक्सा फातिमा, मोहम्मद आदिल हैं। इन सभी बच्चों की दस्तारबंदी की गई। जलसे में शामिल हुए सभी लोगों का हाफिज हसनैन रहमानी ने इस्तकबाल किया। कारी मसीहुद्दीन ने बच्चों को पास किया। इस जलसे में शेखू अहमद, पूर्व सभासद मोहम्मद गुलरेज, जुग्गी भाई, हाजी नगीना, ईदगाह प्रेमनगर अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद सुनार, जावेद अली, सोनू भाई, शेबू भाई, मोहम्मद अली, आशु भाई, हैदर अली, अमान अली आदि उपस्थित रहे। यह प्रोग्राम आजाद गार्डन ईसाई टोला प्रेमनगर में किया गया। इस प्रोग्राम में मुल्क में अमन चैन की दुआ की गई। रही होगी आप जुबान पर अल्लाह का कलाम भी जारी होगा। कल कयामत का दिन होगा, पूरी जमीन ताप पेगी होगी, सूरज एक मील करीब होगा। औलादे माँ बाप से भागेगी, माँ बाप औलादों से भागेंगे, अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, मेरा कुरान पढ़ते पढ़ते मरने वालों खड़े हो जाए। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद हसनैन। आज एक जलसा मुनकायद किया गया। 4 बच्चों ने कुरान पाक नाजरा मुकम्मल किया है। मदरसा रहमानिया के बच्चे हैं, नाजरा कुरान पाक किया है। 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है जिन्होंने कुरान पाक किया। उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए आमीन रखी गई है, जिसमें तमाम लोग आए हैं। आपका क्या नाम है? सना फातिमा। नात और तकरीर कुरान पाक। आपका नाम? मेरा नाम महक फातिमा। आज मैंने कुरान शरीफ की तिलावत करी और नात पाक पढ़ी। कितना समय लगा? 6 महीने। साथ में आपका नाम? मेरा नाम अक्सा फातिमा है, मैंने तकरीर। कितना समय लगा? कुरान पाक नाजरा किया है मैंने और 6 से 7 महीने। क्या नाम है भैया? मोहम्मद आदिल। क्या क्या प्रोग्राम किया? तकरीर, कुरान पाक नाजरा भी किया है। अच्छा। कितना समय लगा? 7 महीना। 7 महीने, ठीक है। कारी मसीहुद्दीन, आज क्या प्रोग्राम रखा था? आज यहाँ मदरसा रहमानिया का एक जलसा मुनक्किद किया गया था, जिसमें बच्चों ने कुरान करीम नाजा किया है और तमाम लोगों ने बच्चों की हौसला अफजाई की है। 4 बच्चों ने कुरान पाक नाजरा किया है। मेरा नाम अंसार अहमद सखलेनी। आज ये मदरसा रहमानिया के बच्चों ने जो नाजरा, 4 बच्चों ने कुरान का नाजरा किया है, वो मुकम्मल हुआ है इनका कुरान शरीफ। उस उपलक्ष्य में, समझ लें हिंदी बोला हूँ मैं, उस उपलक्ष्य में ये जलसा रखा गया है, ये प्रोग्राम रखा गया है, ताकि इन बच्चों की हौसला अफजाई हो। इनके वालिदैन भी यहाँ आए हुए हैं, इनके माता पिता यहाँ आए हुए हैं और इन बच्चों ने नाते पाक और तकरीरें इस्लाम की, इन्होंने जो अपनी तालीम हासिल की है वो सामने रखी है और उसमें अमल किया है।